तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की हमारी जर्नी है 04522 न्यू दिल्ली एक्सप्रेस, जो वीक में डेली चलती है, एक डेली ट्रेन हो गई। और जो यमुनानगर जगाधरी सहारनपुर के रास्ते होती हुई मेरठ गाज़ियाबाद दिल्ली को जाती है। अराइविंग एट जगाधरी यमुनानगर स्टेशन, पैप फाइव लोकोमोटिव गाज़ियाबाद। अपने समय से निकलती हुई जगाधरी यमुनानगर स्टेशन से दोस्तों हमारी ट्रेन अम्बाला दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो रोज़ सुबह 6:40 पे अम्बाला से निकलती है और 5:40 की 263 किलोमीटर का सफ़र तय करती है 15 होल्ड्स पर रुकने के बाद ही अपने गंतव्य पर पहुँचाती है, यानी अराइविंग एट सहारनपुर जंक्शन। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे सामने कोई ट्रेन लगी हुई आराम करती हुई। ट्रेन ने आराम करती हुई। हाँ जी दोस्तों, तो अपनी ट्रेन सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुकी है। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद और सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर, और इस ट्रेन का 4th हॉल्ट है। सहारनपुर का कोड SRE है। अपने 10 मिनट के हॉल्ट के बाद ट्रेन समय से सहारनपुर से निकलती हुई ट्रेन इज अराइविंग एट देवन रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है देवन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है DB D, और यहाँ पर कुल टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। और कोविड से पहले यहाँ पर 74 ट्रेन्स आकर हॉल्ट करती थी, पर अब 31 ट्रेन्स आकर हॉल्ट करती हैं। देवन नॉर्थन रेलवेज के जोन में आता है और डिवीज़न यहाँ पे हमारा दिल्ली हो जाता है। और देवन की बात करूँ तो देवन में आप घूमने के लिए माता बाला सुंदरी के मंदिर जा सकते हैं। ट्रेन अपनी 5 मिनट की देरी से देवन से रवाना होते हुए ट्रेन इज अराइविंग एट मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन।
दोस्तों, तो हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है MOZ, और इसको ओपन किया गया था 1870 में। और यहाँ पर कुल टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं। कोविड से पहले यहाँ पर 105 ट्रेन्स का होल्ड था, अब टोटल ही 48 ट्रेन्स आकर होल्ड करती हैं। और मुजफ्फरनगर शुक्रताल तीर्थ के लिए भी बहुत फेमस है, अगर आप यहाँ पर कभी आते हो तो शुक्रताल ज़रूर होकर आएँ। खटौली रेलवे स्टेशन, ट्रेन इज अराइविंग एट खटौली रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है KAT, और यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, और यहाँ की प्लेटफॉर्म 2 हैं। और कोविड से पहले यहाँ पर 48 ट्रेन आकर हॉल्ट करती थी, अब 16 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है। डिपार्चरिंग टू खटौली रेलवे स्टेशन। Arriving at Meerut, Kent. दोस्तों, ट्रेन इज अराइविंग एट मेरठ कैंट, जिसका स्टेशन कोड है MUT, और यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, और अगर जो नंबर प्लेटफॉर्म्स 3 हैं, और यहाँ पर कुल टोटल 56 ट्रेन्स आकर हॉल्ट करती थी कोविड से पहले, अब 23 ट्रेन्स आकर हॉल्ट करती हैं। 2 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं और 2 ट्रेन टर्मिनेट होती हैं। डिपार्चर एट मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन। मेरठ सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो मेरठ सिटी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MTC, और यहाँ पर कुल टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं, और अगर जो नंबर ऑफ हॉल्टिंग ट्रेन्स की बात करूँ, वह 111 ट्रेन्स कोविड से पहले आके यहाँ पर हॉल्ट करती थी, अब 58 ट्रेन्स आकर डेली आके हॉल्ट करती हैं। 11 ट्रेन्स यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और 11 ही ट्रेन्स टर्मिनेट होती हैं, और इसे जंक्शन इसलिए बोला जाता है, यहाँ से एक लाइन हापुड़ बुलंदशहर की तरफ गई है, और मेन लाइन जिस पर हम चल रहे हैं सहारनपुर दिल्ली मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन। ट्रेन इज अराइविंग एट मोदी नगर रेलवे स्टेशन। दोस्तों,
दोस्तों ट्रेन पहुंच चुकी है अपने 12वें हॉल्ट मोदी नगर रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है MNDL और टोटल डिस्टेंस कवर किया है 214 किलोमीटर। और अगर जो स्टेशन की बात करूं तो यहां पर कुल दो प्लेटफॉर्म्स हैं। और नंबर ऑफ हॉल्टिंग ट्रेन्स की बात करूं, कोविड से पहले 60 ट्रेन्स आकर हॉल्ट करती थी, कोविड के बाद अब 22 ट्रेन्स आकर हॉल्ट करती है। डिपार्चिंग टू द मोदी नगर रेलवे स्टेशन। गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है GZB और इसको ओपन किया गया था 1865 में। प्लेटफॉर्म 6 प्लेटफॉर्म्स हैं। और नंबर ऑफ हॉल्टिंग ट्रेन्स की बात करूँ, कोविड से पहले 416 ट्रेन आकर हॉल्ट करती थी, 11 ट्रेन ओरिजिनेटर, 13 ट्रेन टर्मिनेट होती है। कोविड के बाद 190 ट्रेन आकर डेली यहाँ हॉल्ट कर रही है। डिपार्चर डेट गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन। सामने हमारी गुड्स ट्रेन अराइव करती हुई। दिल्ली शाहदरा जंक्शन से हमारी ट्रेन डिपार्चर करती हुई, जिसका स्टेशन कोड है DSA और मात्र 4 प्लेटफॉर्म्स का ये रेलवे स्टेशन, जिस पर कोविड से पहले 123 ट्रेन्स आकर डेली आकर हॉल्ट करती थी, अब 48 ट्रेन्स आकर हॉल्ट करती हैं। ये खूबसूरत सा डिपार्चर दिल्ली शाहदरा जंक्शन से। यहीं तो करा वो वीडियो। दिल्ली रूट्स के लिए बहुत अच्छी ट्रेन है और आपको जर्नी में मज़ा आएगा इसमें करके। तो अगर आपको ये जर्नी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में।